जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं इस समय किसान कार्यशाला लखीमपुर में। ये तहसील भी लखीमपुर है, जिला भी लखीमपुर है और कई वीडियो में बता भी चुका हूँ, काफ़ी बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला है, काफ़ी बड़ा नहीं बहुत बड़ा। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, रेस्पेक्ट देते हैं और शानदार लोग हैं, मतलब जिंदा दिल इसको बोलते हैं। बहुत मज़ा आया, निघासन में भी काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर अमर शुक्ला जी हैं और दो तीन हमारे अपने और भैया मिले नए इस बार, बहुत अच्छा लगा। लोग आओ भगत बहुत अच्छी करते हैं, बड़े रेस्पेक्ट से बात करते हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। अभी हम बात करेंगे भैया से कि हम क्या हैं, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या गड़बड़ हैं, क्या हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या क्या प्रैक्टिस उन्होंने किए हैं। भैया एक बार आपका परिचय दे दीजिएगा। हमारा नाम संदीप कुमार वर्मा है, ग्राम मुरादनगर है, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है। नमस्ते भैया, जाओ। अच्छा ये बताओ वर्मा जी, जी ये आपने कहीं चार छोड़े हैं, कहीं बिल्कुल नहीं छोड़ा, और क्या चाहिए? ये तो भैया और लेबर जो काट दिए ना, गाड़ी भरने वाले। अच्छा हाँ, एक मिनट, आपका परिचय बताओ सभी को जरा। मेरा नाम है सुनील कुमार, ग्राम ढकवा, पोस्ट सितारपुर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर। पहला आदमी है लखीमपुर में जिसने पंचकवर लगाया मेरे बोलने। जी सर, रिजल्ट रहा पंचकवर का, बहुत तगड़ा सर। और भैया कौन है, आ जाओ, कहाँ चले मेरे खड़े हो, हम बताओ। हरे किशन हमारा नाम, उधर उधर हमें मत बताओ। हरे किशन नाम हमारा, ढकवा में रहने वाले। अच्छा क्या करते हैं हरे किशन जी? खेती करते हैं। अरे वाह, किस चीज़ की? गन्ना की। बस बस, केला लगाए नहीं लगाए? केला लगे हैं, 3 बीघा लगे। अच्छा लगे, ट्रायल किया है। यस बढ़िया। तो अब आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से, एक तो मुझे 2-3 गड़बड़ी लगी। हाँ, ये गड़बड़ी ये है कि कटा हुआ पौधा नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमें छोड़ना कब है? आप लोगों को बताया जाता है कि पौधे को जब माल आधा कट जाए पूरा तब छोड़ो। हाँ, तब छोड़ो। अब अगर तब छोड़ोगे तो अक्टूबर का महीना आ गया। हाँ। अब अगर आप अक्टूबर में छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे भैया। तो कब छोड़ना है? जुलाई के पहले हफ्ते में। अभी तक पेड़ी पहुंच जाती कहीं की कहीं। हाँ। और बड़ा मजबूत और इसी के खर्चे में ये पल जाएगी। ठीक है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा लेट भी छोड़ने का मन है अगर आपके यहाँ पे ठंडी कैसी पड़ती है, जबरदस्त वीआईपी वाली बिजनौर टाइप। हाँ, तो फिर जुलाई फर्स्ट वीक छोड़ दो और हम इसमें बड़े शानदार तरीके से अगले साल 12 महीने के अंदर काट के ट्राली में लोड करके भेज सकते हैं। अच्छा, आप भैया इसमें क्या है? अब कुछ नहीं, अब तो देखो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, लेकिन अगर आपने मुझे सही से फॉलो किया अभी भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो पहले मुझे खुशी हुई कि आपने बेड बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप कब से फॉलो कर रहे हैं मेरे को? भैया हम फॉलो तो ये एक तो बहुत दिन से रहे आपको। अच्छा, लेकिन हमको नंबर नहीं मिल पाया। अच्छा, हमारी आपसे ये नंबर तो स्क्रीन पे आता है, वो नंबर लग ही नहीं। अच्छा, वो वाला नंबर उधर पहुंच गया हमारा। चलो कोई बात नहीं, ये गड़बड़ बात है यार। नंबर देना चाहिए किसानों को, तुम नंबर। हम ये जब बंच कवर लगाए हमने देखा इनको। अच्छा, हमारा जो बंदा है, अब जिसको जिसकी आदत पड़ गई वो उसी से बात करता है। जब बंच कवर इनको लगाए हम देखा, चेंज हुआ था तो हमारे पास तुरंत आ गया था दूसरा नंबर। मैंने क्या किया था, कोशिश किया था लोगों को नंबर देने की कि भाई मेरा ये नया नंबर है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसमें एक शेड्यूल करेंगे। हाँ। वो शेड्यूल आपको मैंने लिखवाई दिया और आपने डिमांड भी दे दी है। कल 4 केला गुरु का आपने दिया था, 3 है, 3 का। हाँ। और भी आपने सामान का डिमांड। हाँ। दिया था और आपको वो पीडीएफ। हाँ। मैंने भेजा नहीं भेजा? पीडीएफ है। कौन सा वाला? अभी कल वाला? नहीं कल वाला नहीं भैया, नहीं नहीं वो वाला पीडीएफ छोड़ो। अभी जो हमने लखीमपुर के लिए पीडीएफ बनाया है बैठ करके, वो नहीं आप लोगों के पास? नहीं, वो हम अभी ले लेना हमारे जाने से पहले। ठीक ठीक, पूरे लखीमपुर के ग्रुप में ही छोड़ देंगे हम उसको। ग्रुप में आप लोग हो कि नहीं हो? हाँ। किसान कार्यशाला लखीमपुर। हाँ है, ठीक है, हम उसमें छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। आपको भी ऐड कर दूंगा मैं, आप ऐड कर सकते हो इनको, कोई भी किसी को भी ऐड कर सकता है, परमिशन हमने ओपन कर रखी है। और एक तो इसमें करेंगे हम सबसे पहले केला गुरु। जी, केला गुरु खत्म होते एक देंगे रेसिडुअल फ्री खाद। जी, उसके बाद में हम इसमें छोड़ेंगे 1 ड्रिंचिंग उसकी HDL प्रोटीन वाली। जी, तब तक आ जाएगा नवंबर जब तक की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, और लास्ट में फास्फोरिक एसिड की 2 ड्रिंचिंग। जी, जाड़े पार खेल खत्म। जी, उसके बाद एक बार इसमें दोबारा से जब फरवरी आएगी जी तो फिर हम इसमें एक बार केला गुरु चला देंगे। जी, एक बार प्रोटीन दे देंगे और एक बार बेसल डोज दे देंगे। ये 15 रुपये के अंदर का खर्च बता रहा हूँ मैं, 15 रुपये पार नहीं करेगा जी, गारंटेड। और इसी में केला कट जाएगा। अब आपने जाड़े में गन्ने के पत्ते मिल जाएं जी तो बस इसको ढक देना बढ़िया करके VIP तरीके से। के लिए हम सारा पत्ता जो ये तो गल जाएगा अभी, ये अभी लग रहा है आपको पत्ता, ये 1.5 महीने बाद ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। केले का पत्ता ऐसे सुखड़ता है, तो ये आपने करना। गन्ने की पत्ती लगवा देंगे, गन्ने की पत्ती मल्चिंग करा देना, जितना कराओगे उतना। वो जो पौधा हमारा लगा, धान लगा है हमारे पास, सब बढ़िया, कुछ नहीं। एक और काम कर देना, जो हमने आपको पर्चा बनाया है उसके अंदर सरसों की खली बताई हमने। हाँ, वो तो घर की। आपने क्या करना है, 5 किलो सरसों की खल, हर महीने का प्रण बना लेना है। जी जी, 5 किलो सरसों की खल जी,
उसके साथ में 2 किलो गुड़ जी और 10 किलो कच्चा गोबर जी, ये आप हर महीने छोड़ दो इसके अंदर जी, ये अपने आप में जादू है। करो तो डंचिंग करवा दें कि वो और बढ़िया है, डंचिंग करा दो और बढ़िया, हमारे तरफ से पानी में छोड़ दो, हम तो दोनों तरफ की बात करते हैं। पर किसान को तुम बिल्ली का पेशाब बता दो, वो ला नहीं पाए तो फायदा क्या, भैया नहीं कर पा रहा है तो सबसे बढ़िया डंचिंग है सर, आप सारा डंचिंग करवाते हैं भैया, बस ऐसा करते हैं पानी इसमें चलवा देते हैं जी, और एक में पानी देना, एक को छोड़ना, एक में पानी देना, एक को छोड़ना, बढ़िया रिजल्ट आएगा। नाइट्रोजन इस बार इसको नहीं देना है जी, यूरिया जी नहीं देना, अगर हमारे मुंह से गलती से 1919 निकल भी जाए तो उसको 52-34 में बदल देना। यूरिया दोगे तो इस बार सीढ़ी लगा के पेड़ काटोगे, हमारे पौधे देखें जाम खड़े होते हैं ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं, हम 3 साल के पेड़ पे ऊंचा जाने का मतलब ही नहीं बनता अकेले का, अब बताओ तो कौन काटेगा, वो गिरेगा 40 किलो ऊपर तो नीचे वाला मर जाएगा, तब का हड्डी वड्डी टूट जाएगी, केले का मतलब होना चाहिए आसान सुरक्षित। चलो और बाकी कोई समस्या आप बताओ, वो वाली जो देख रहे थे, जो आप मुझे बता रहे थे, इसके 2 कारण हैं, या तो इसको तना छेदक काट के भागा है यहाँ से जी, या ये कैल्शियम के कारण नहीं खुल रहा है, अच्छा और कोई इसका कारण है नहीं, इसमें कोई डिजीज नहीं है जी। ठीक है, इसमें आपने एक काम कर लीजिएगा, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 2 किलो सल्फर डब्ल्यू डी जी मिला करके डाल दीजिएगा, डंच करवा दें कि डंच करा दीजिएगा, या 2 किलो बिना बुझा चूना 200 लीटर पानी में मिला लो, इसको बंद करो पहले, 2 किलो बिना बुझा चूना और 2 किलो आपका गंधक अगर मिल जाए तो, या 1 किलो गंधक भी मिल जाए तो 2 किलो चूना 1 किलो गंधक बराबर मात्रा में पीस लो, दोनों को अलग अलग रख लो, उसके बाद 1-2 दिन के बाद इसमें 200 लीटर पानी में मिलाओ और इसके नीचे ड्रिंचिंग कर दो, पौधे कितना दूर इतना दूर, ये भाग जाएगा ऊपर, ठीक है ये लिखवा दूंगा मैं, सब लिखा हुआ है, परेशान मत, ठीक। ये उनको भी बता रहा हूँ जो देख रहे हैं, अगर किसी के साथ ये समस्या आ रही है तो ये वाली रहा, इस पे बीटल की बात तो तंबाकू वाला वो तो हम जाने, मिट्टी वाला हाँ। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर राइफल तैयार है अपने पास, क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन कोशिश यही करनी है। और कोई आपका प्रश्न ऐसा कि भैया मुझे पूछना है, बिंदास होके पूछो, नहीं बस ये दिक्कत, केले में कहीं से भी कोई दिक्कत, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, ये गोद ले लिया हमने अभी, अभी हमारी जिम्मेदारी, हम जो बोले वो आंख बंद करके करते हो, अगले साल बात करेंगे जब माल टंगेगा, ठीक, क्योंकि जब उसने मंगवाया था ना बंच कवर तो वो भी सोच रहा था भैया क्या रहेगा, अच्छा बंच कवर में स्प्रे करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, कोई मतलब नहीं बनता स्प्रे का, क्वालिटी बनती है 1 नंबर और 2 साल के लिए चलता है, 8 रुपए का इस आसपास पड़ा है वो घरा करके, 7 रुपए का, 7 रुपए में 2 साल चल गया, 3.5 रुपए पर बंच पे खर्च किया, 1 बंच पे आप लोग लगभग 10 रुपए खर्च करते हो, तो हमको जो अगस्त से पता चल रहा है आप लोग 10 रुपए खर्च करते हो और कमर हो जाती टेढ़ी, और खाने वाला को भी पिछले साल भी मंगाया था किसान का सर, और खाने और खाने वाले को भी आप जो है कैंसर परोस रहे हो और खुद भी आप कैंसर ला रहे हो उसके अंदर, फायदा क्या होगा, हम इस पर नहीं करेंगे। यहाँ पे हर खेती में सब कुछ राहुल जवान से चल रहा है जी। यूपी मतलब हम एक नई क्रांति लेके आए किसानों के लिए, पिछले 2-3 साल में हम कई चैनलों से जुड़े, उसके बाद अलग हो गए किन्हीं कारणों से, वो अलग बातें होती हैं, शायद हमारे अंदर कुछ कमियां रही हों या जो भी है उसको छोड़ो वो अलग बात है, बाकी कुल मिलाकर ये है कि हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट होते हैं, जैसे आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो यहाँ से जो चीज़ मिलेगी वो हमारी गारंटी पे मिलेगी, कल हम अगर क्या किसी वजह से यहाँ नहीं है तो फिर आप हमारी गारंटी पे मत लेना, सीधी सी बात है, क्यों हम जहाँ हैं वहाँ हमारी जिम्मेदारी है पूरी। अच्छा भैया एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, जैसे हम डंच करेंगे तो पत्ती हमारी इधर है, उधर भी करेंगे कि यही साइड, अरे काहे यहाँ करोगे आप, यहाँ करना है अपने यहाँ पे, अच्छा उधर इधर छोड़ दो, अच्छा सिर्फ यहाँ पे करोगे जहाँ पे पौधा, अब ये नया पौधा इसको इसको भूल जाओ आप, हाँ आप तो भूल गए बस, और इनको ड्रिल कर दो, हाँ इनको ड्रिल कर दो आप, ठीक ड्रिल मशीन बनवा लो वो इतनी लंबी, ठीक ठीक 3 अंगुल रख के 6 इंच का टुकड़ा आधी नाल कटवाओ, इधर से दबा दो, यहाँ पे हत्ता जड़वा लो गच्चुक बाहर, बहुत बढ़िया चीज है, करो आप ये लोग मजा आएगा आपको। अच्छा भैया जो सीके वाला आपका पौधा है जी, वो कितना लंबाई लेता है? इतना नहीं जाता, अच्छा लगभग 10 फीट। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्योंकि गांव में लगाना चाह रहे हैं तो क्या सीढ़ी वीढ़ी, अगर देखो सावन के झूले डालने हैं तो हमें बता दो, हम उस हिसाब से तैयार करा देंगे, नहीं तो हम कह रहे थे कि जो हम लोग लगा रहे हैं इससे छोटा होगा, स्टैंडर्ड लंबाई है हमारी, स्टैंडर्ड मतलब ये जो लंबाई है इससे नीचे रहेगा, पहले साल एक स्टैंडर्ड लंबाई होती है एक ओवर लंबाई होती है, ये ओवर लंबाई वाला पौधा है, ये सब लोकल कह रहे हैं, हाँ तो ये इतना लंबा नहीं जाता यार पौधा, बट इतना क्वालिटी भी नहीं है, देखिए ना बंच में ना वो मजा नहीं है, नहीं क्वालिटी तो ठीक है
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लंबे समय तक चलने के लिए नहीं है। अभी आप लगाएंगे 8x5। आप तो 8x5 लगाएंगे, 7x5 वो लगा है पौधा, ये लाइन से लेना 8 और वो 5, कुल मिला के 40 स्क्वायर फीट का देना है हमने। अब अच्छा तो हम जो लगाए हैं हम 5, ये है 5x5। देखो ये आपकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं, 8x5 लगाओ, हिसाब से चलेंगे, 6x5 लगाओ, 4.5x5 लगाओ, कुल मिला करके 40 स्क्वायर फीट से अंदर न मत आना केले में। अगर बेहतर केला काटना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो अगर एक बंच में 2 किलो फालतू आया तो 11 से बंच में कितने किलो फालतू गया, उतने पौधे से गुणा कर लो, उसे हो गया बराबर 1250 पौधों के बराबर, और क्वालिटी बनी एक नंबर। तो क्यों लगाएं हम ज्यादा पौधे, क्यों? तो कम पौधे में ज्यादा उत्पादन, क्वालिटी बढ़िया बनती है, व्यापारी लपक के आता है। अच्छा भैया चलो पौधा देख लो। हाँ वो देखते हैं, चलो ठीक है भैया।